एक आदमी मरने के बाद सीधा स्वर्ग पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो भगवान से शिकायत करने लगा कि धरती पर जब पानी की जरूरत नहीं होती तब आप बाढ़ ला देते हो, बिना मतलब के आंधी तूफान भूकंप जरूरत से ज्यादा धूप दे देते हो। आप अपनी सीट कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए, मैं आपसे बेहतर दुनिया चला दूंगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो आदमी भगवान बनते ही अपने हिसाब से दुनिया चलाने लगा। वो धरती में जरूरत जितनी ही चीजें देने लगा। कुछ समय बाद जब फसल काटने की बारी आई तो वो चारों तरफ लहलहाती फसल को देखकर खुश हुआ, लेकिन जब फसल के अंदर देखा गया तो उसमें अन्न था ही नहीं, पूरी की पूरी फसल खाली थी। ये देखकर वो आदमी सीधा भगवान के पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये क्या हुआ भगवान, मैंने तो सभी चीजें अच्छी की फिर भी फसलें खाली क्यों? भगवान ने कहा, पुत्र तुमने उन फसलों को चुनौतियों से भिड़ने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें तेज हवा के झोंकों से कभी जांचा ही नहीं, उनके जीवन का संघर्ष ही खत्म कर दिया। पुत्र अगर जिंदगी में सफल होना है तो संघर्ष करना जरूरी है, यही जिंदगी की रीत है।